हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ वुमेंस। आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जलेबी की रेसिपी बनाना बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल और आसान है। जिसके लिए हमें चाहिए होगा चीनी और आधा कप पानी, यानी कि एक कप चीनी आधा कप पानी। इससे हम शुगर सिरप तैयार करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए होगा मैदा एक कप, और एक चम्मच मैंने राइस फ्लोर इसी में डाला हुआ है, एक चम्मच बेसन और दही। बेकिंग सोडा हम बाद में ऐड करेंगे जलेबी बनाने से तुरंत पहले ही। फेंटने के लिए हमें चाहिए होगा विस्कर, एक चम्मच देसी घी मैं इसमें डालूंगी, और चुटकी भर फूड कलर। ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक हलवाई ही यूज़ करते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल हलवाई स्टाइल जलेबी बनाना बताने वाली हूँ। तो मेरी रेसिपी को फॉलो करके एक बार ज़रूर बनाइएगा। और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल हमें चाहिए जलेबियों को तलने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर लूँगी ये सारा मिक्सचर, दही, बेसन, और ये देखिए मैंने चावल का आटा लिया हुआ है और ये मैदा लिया हुआ है। आप चम्मच की मदद से या फिर विस्कर की मदद से इसे फेंट सकते हैं। चम्मच घी, और पिंच ऑफ फूड कलर हम इसमें ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम लेंगे थोड़ा सा पानी। पानी को बहुत मतलब रुक रुक के ऐड करना है, चेक कर करके। बहुत ही स्मूथ सा बैटर बनाना है हमें। ये देखिए इसे अच्छे से विस्क कर लेना है, और ये काफ़ी थिक है, हमें बहुत स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। बस अब हमें पानी नहीं चाहिए, बस हमें इसके लम्स ख़त्म कर लेने हैं। ये देखिए कुछ इस तरह का बैटर हमें चाहिए, एकदम स्मूथ सा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना ऑयल गरम कर लेते हैं और शुगर सिरप बना लेते हैं। सबसे पहले शुगर सिरप बनाने के लिए हमने ये कढ़ाई ली है, इसमें मैंने आधा कप पानी डाला है और एक कप चीनी डाली है। इसे हम तब तक बॉईल करेंगे जब तक चीनी घुल ना जाए। और हमें कोई एक तार दो तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिंपल हमें इसे बस घुल जाने देना है पूरी चीनी को। आप चाहें तो थोड़ा सा फूड कलर चाशनी में भी डाल सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें। साथ ही साथ आप इसमें थोड़ा सा सैफ्रॉन स्ट्रैंड्स भी डाल सकते हैं। अब जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। मैंने कुछ स्ट्रैंड्स इसमें केसर की भी डाल दी हैं। थोड़ी सी इलायची, इलायची केसर कलर चाशनी में बिल्कुल ऑप्शनल है। तो ये देखिए चीनी घुल गई है, अब हमें इसे थोड़ा सा थिक होने के लिए करना है। बस साइड ही साइड हमने ऑयल गरम होने रख दिया है, ऑयल को बहुत ही स्लो गरम होने देना है, यानी कि लो फ्लेम पे। फ्रेंड्स, चीनी एकदम घुल चुकी है, हमें इससे कोई तार की चाशनी नहीं बनाना है, इसलिए हम फ्लेम यहीं पर ऑफ कर देंगे और इसे साइड रख देंगे। अब मैं अपना ये कंटेंट इस सिपलॉक पाउच में भर लूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें पाउच में भर लेना है। फ्रेंड्स, ऑयल को हमें बहुत लो गर्म रखना है, इस तरह से फटाफट से शेक देना है इसका।
ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हम इन्हें बना लेंगे। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, ये देखिए किसी भी शेप में बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर शेप ही हो। आहिस्ते से इन्हें पलटना है, अच्छे से सिकने देना है, बस ऑयल को थोड़ा कम गर्म रखेंगे तो शेप अच्छे से बन पाएगा। अब बस साथ ही साथ आप इसे सिरप में भी डिपो दें। जी देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आहिस्ते से हमें शेप देना है। देखिए हम लोग रोज़ नहीं बनाते हैं, इसलिए हम लोग परफेक्शनिस्ट नहीं हैं, लेकिन हाँ ट्राई करेंगे तो धीरे धीरे आ जाएगा। बाकी टेस्ट वही आना है, आप चाहे कैसी भी शेप की जलेबी बनाएं। फ्रेंड्स, मुझे पतली जलेबी पसंद है, इसलिए मैं पतली पतली ही बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से अपने पाउच को कट कर सकते हैं जिस मोटी बड़ी बनाने के लिए। मुझे बहुत ही पतली जलेबी पसंद है। इसको इस तरह से मैं कर लिया और अब हम इसे शुगर सिरप में डिप कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जलेबी बनके बिल्कुल तैयार है, कुछ इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आप जलेबी आराम से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल जलेबी बनाना मैंने आप लोगों को बताया है। इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए विपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।